अल्लाह ना करे किसी का वालिद फौत हो जाए, उसका बेटा यूरोप में भी बैठा हो ना, तो काल करके कहेगा कारी साहब सूरत यासीन की तिलावत करवा दे। मैंने तो नहीं देखा किसी प्रिंसिपल को काल करके कह दे जी डबल मैथ्स की तिलावत शुरू करवा दे, अजी फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़वा दे। अगर तो कोई उसको भी अच्छी नीयत से पढ़े तो सवाब है, लेकिन कहते कुरान करीम का है। तो जब आप मानते हैं कि इस कलामुल्लाह का असर दुनिया को चीर के कब्र तक जाता है, तो अपनी औलादों को ये क्यों नहीं पढ़ते? मैं झूठ बोलूं ना, अल्लाह मेरे साथ मदद खींच ले। मैं अपना आंखों देखा वाक्य बयान कर रहा। मैं एक जनाजा पढ़ाने गया, जो शख्स फौत हुए थे उनका छोटा छोटा बेटा कॉलेज के स्टूडेंट था। मैंने नीयत बताई, जनाजा बताया, बयान भाई नीयत कर ले अल्लाह हो। तो मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझे कहते हैं सर एक्सक्यूज मी वन मिनट। मैंने कहा जी बोलिए। मुझे कान में कहते हैं कि मुझे जनाजा नहीं आता, मैं क्या बोलूं? मुझे बताया एक बच्चा सेकंड ईयर पढ़ रहा हूँ कैडेट कॉलेज में, और हाल ये हो कि उस बच्चे को बाप का जनाजा के वक्त दो लफ्ज जनाजे के ना आए, क्या तालीम उसका फायदा जो आप उसे पढ़ा रहे हैं? काश आप उसे कुरान पढ़ाते, सुन्नत पढ़ाते, दीन पढ़ाते, इस्लाम पढ़ाते, ईमान पढ़ाते, इरफान व एहसान पढ़ाते और शरीयत की बात करते। आज ये हालात है। एक शख्स मुझे मिला बड़ी उम्र के कारोबारी है, मुझे कहने लगे जी, मैंने कहा बेहतर पढ़ते हैं उसमें इलम, कहते मौलाना नाराज ना हो, मुझे दुआए कुनूत तो नहीं आती, मैं उसकी जगह तीन बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लिया। आज हमारे ये हालात है भाई, ये इस्लामी तालीम मुफ्त से मिलती है, इस वजह से वहां फीसें देनी पड़ती है, उनको आला समझते हो, ये फ्रीया कास्ट पढ़ाते हैं मेरे अंदर आपके बच्चे। और मेरे दोस्तों, वहां पर फीसें देने के बावजूद भी जो हाल है ना, और यहां पर फीस वीलिल्ला जो कारनामा है, खुदा की कसम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की वजह से मशहूर है या बेहतरीन मसाजिद और मदारिस की वजह से मशहूर है? बोलिए, दीन की वजह से, मदारिस की वजह से। जब आप ये बात मानते हैं कि दीन की वजह से पूरी दुनिया में सल्तनत खुदादाद मुमलकत पाकिस्तान का नाम है, तो अपनी औलादों को यहाँ क्यों नहीं रखते? मैंने तो नहीं देखा कोई यूरोप के और तुर्की से और पता नहीं अमेरिका से और इंग्लैंड से और कनाडा और ट्रेंटो से हमारे मुल्क में आए जी मैंने आपके यहाँ आकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। लेकिन मैंने देखा है हमारे मसाजिद और मदारस में ऐसे ऐसे गैर मुल्की तलबा आते हैं जिनके वालदैन वहां की हुक्मरानी में होते हैं। युगंडा के सदर का बेटा हमारे मदारस में मौजूद है और यहाँ तालीम ले रहे हैं, उनके वालिद प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है वहां पर और वो यहाँ पढ़ रहा है। हाँ हाँ, मैंने देखा है अरब लोग जिनसे दीन शुरू होकर हम तक पहुंचा, वो हमारे रायवंड में चलकर तबलीग के अंदर चल रहे होते हैं कि दीन की वजह से मशहूर पाकिस्तान। मैंने तो ये देखा, जब यूं है तो फिर हमें अपनी औलादों को इल्म दीन के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, दीन और ईमान के लिए वक्फ करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कह रहा हूं, तवज्जो रखना, दीनी तालीम जब आप दिलाओगे तो बहुत बड़ा आपके लिए दुनिया को भी फायदा, आखिरत का। मैं उस हदीस की किताब का हवाला देता हूं जो उर्दू जुबान में भी है, पश्तो में भी है, आप घर में जाकर चेक करें। फजाइल आमाल हजरत शेख अल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कामिलवी रहमहुल्लाह की। फजाइल आमाल खोलिए, फजाइल कुरान खोलिए, हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु की हदीस पाक रिवायत में मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बच्चे ने कुरान करीम पढ़ा और अपने सीने में रख लिया, कल क़यामत के दिन ये आएगा तो अल्लाह इसको एक खसूसी पैकेज देंगे। क्या पैकेज? अशरतुम मिन आली बैती कुल्लु मजबत अलैहिन्ना। वो पैकेज ये होगा कि आज तेरा एजाज है, तूने कुरान सीने में रखा, जा अपने फैमिली मेंबर्स में से अशरतुम मिन आली बैती, अपने खानदान और बिरादरी में से उन 10 बंदों को ले आ जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, मैं तेरे इस कुरान की बदौलत तुम सबको जन्नत का अर्ज करूंगा। ये पैकेज मिलेगा।
ये हाफिज़ कुरान जहाँ अपने लिए सफारिश का सबब है, वहां अपने माँ बाप और अपनी फैमिली और अपने खानदान के लिए। आज किसी का कारोबार बढ़ जाए, एक अपना वहां पर राइडर रखता है, एक अपना वकील रखता है, एक सरकारी मुशीर रखता है। क्या कभी कोई प्रॉब्लम आए अदालत के लिए यू करे, राइडर किस काम को देखेगा, वो करेगा, वो हमने रखे। तो हमें आखिरत में प्रॉब्लम पड़ जाए उसके लिए हम अपना सफाशी क्यों नहीं बनाते भाई? आखिरत के प्रॉब्लम तो है। कुरान करीम ने जो आखिरत का प्रॉब्लम बताया है ना, और जो आखिरत के हालात बताए हैं, अगर हमारे सामने वो आखिरत का माहौल हो और वो तमाम चीजें हमारे पेश नजर हो जो आखिरत में रब्बे करीम ने हमें बताए और समझाए हैं कि ऐ लोगों कयामत का दिन कैसा आएगा। आओ मैं आपकी खिदमत में सूरत नंबर 22 सूरत हज की पहली 2-3 आयात पेश कर रहा हूँ कि कयामत का मंजर क्या है। रब्बे फरमाते हैं या युहन्ना फत्तकु रब्बकुम, ऐ लोगों अपने अल्लाह से डर जाओ, इन ज़लज़लतिस्सात शयउन अज़ीम, क़यामत में ज़लज़ला आएगा वो छोटा नहीं होगा, वो बहुत बड़ी चीज होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा हर्ज़त, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे पर बहुत शफीक होती है, रहीम व करीम होती है, वो क़यामत के हालत देख के अपने बच्चे को दूध पीते वक्त यूं फेंक देगी, कहेगी ये मरे तो मरे मैं बच जाऊं। वतज़ऊ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और क़यामत में जो माँ उम्मीद से होगी वो अपने बच्चे का इसकात करा के गिरा देगी, गोया ऑटोमेटिकली उसका अबॉर्शन हो जाए। और लोग ऐसे लगेंगे जैसे चर्स पी हुई है, नशा किया हुआ है, मदहोश है, एक दूसरे पर गिर रहे हैं। रब ने फरमाया वमा हुम बिसुकारा, ये नशा नहीं होगा, ये नशे वाले नहीं होंगे, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, ये अल्लाह का सख्त अज़ाब जाहिर हो रहा है। ये कयामत का मंजर, ये सूरत हज, ये सूरत नंबर 22 की पहली 3 आयत, ये मंजर अगर सामने हो, ये प्रॉब्लम हमारे पेश नजर हो, तो फिर हमें भी अपने घर का एक शफी जरूर बनाना चाहिए। मेरे दोस्तों मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं अपील नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी गैरत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। मैं आपके दरवाजे पर दस्तक देकर आपको झंझोड़ के कह रहा हूं, जहां हमें राइडर चाहिए, नौकर चाहिए, खादम चाहिए, खान सामा चाहिए, एडवोकेट चाहिए दुनिया में रहने के लिए, लीगल एडवाइजर चाहिए, वहां आखिरत का शफी भी चाहिए। हमें अपने घरों में अपने खानदान के लिए शफी भी बनाना चाहिए। ये कयामत का मंजर होगा, इस मंजर में मुझे नाराज ना होना, मुझे दुनियावी तालीम नहीं बचाएगी, इस मंजर से मुझे आखिरत में ये दीनी तालीम और पुरानी तालीम बचाएगी। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी है, उसके लिए 20-20 साल अपने बच्चों और बच्चियों को तुम लोग पढ़ाते हो, जो आखिरत की जिंदगी खालिदन फीहा अबद अनलिमिटेड हमेशा हमेशा की जिंदगी है। हजरत जी मौला जमशेद अली खान रहिमहुल्लाह एक मिसाल फरमाया करते थे कि ये पूरी दुनिया में समंदर खुश्क हो जाए और ये चटियल मैदान बन जाए, पहाड़ खत्म हो जाए, चटियल मैदान हो और इसको राई के दानों से भर दिया जाए, और एक चिड़िया आए, एक राई का दाना उठाए और चली जाए, 1000 साल गुजरने के बाद फिर आए, दूसरा दाना उठा कर चली जाए। कहा ये दाने कभी खत्म होंगे? लोगों ने कहा जी नहीं। मौला जमशेद रहे मौला फरमाने लगे एक दिन आएगा ये दाने तो खत्म हो जाएंगे, आखरत की जिंदगी खत्म नहीं, ये आखरत की जिंदगी, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए भी आगे आना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, मैं पश्तो पूरी तरह तो नहीं समझता, मुस्तफा अब्दुशकूर साहब की बात को मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, वो अपनी औलाद को हाफिज बनाने की आपको तरगीब दे रहे थे, तो मैं उसी पर एक इस्तदराक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जब हम लोगों को कहते हैं ना अपने बच्चों को आलिम बनाओ, तो हमें एक ताना मिलता है, सब औलाद तो ताना क्या, अजी मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या, मौलवी बनेगा तो
खाएगा कहां से? अब जरा एक मिनट जरा सोचना और मुझे जवाब देना। चलो मैं मान लू मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से, लेकिन जब खाने की बारी आती है ना तो सारे कहते हैं कौन ज्यादा खाता है। जब खाने की बारी आती है सब कहते हैं मौलवी ज्यादा खाता है, तो जब मौलवी ज्यादा खाता है तो बच्चों को मौलवी बना लो। घर सब गलत कह रहे हो, बच्चों को मौलवी बना लो, इसमें कौन समझता है भाई? तो भाई ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आती। ये मानियतुल जमा इम्पॉसिबल सेंटेंस है कि ये बातें कैसे जमा होंगी? मौलवी बनेगा खाएगा कहां से और मौलवी ज्यादा खाता है, ये कैसे जमा होगी? ये मानियतुल जमा है भाई, मंतिक की बात को सामने रखे तो नहीं जमा हो। और सुने, जब आलिम होगा अल्लाह उसे ऐसी इज्जतों से नवाजेगा बाकी लोग उस इज्जतों को तरसेंगे। मैं अपने लिए बात नहीं, मजमूआ उलमा के लिए कर रहा हूं। आज आपने हमें ऊपर बिठाया, कुर्सियां लगाई, बाकी नीचे बैठे क्यों? हम बड़ी मान के बैठे, हमारे मुंह पर बुलबुलें बैठती हैं? नहीं बाबा, एक ही वजह है कि हमारे नाम के साथ कुरान और दीन जुड़ती है। हमारा नाम बल्कि कुरान और दीन के साथ जुड़ चुका है। जब दुनिया में ये इज्जतें हैं आखिरत में इससे बढ़ती है। मतलब आखिरत खैरुन लक मिनल अूलى, आखिरत में दुनिया से बढ़ती है। और सुने, जब इमाम बने ये हाफिज कुरान जिस जगह ठहरेगा वो सल्ला इमामत पर, आगे तो आगे उस हाफिज के बराबर भी कोई नहीं, पीछे जो भी हो इमाम आगे होता है ना, इमाम के आगे कोई है ना इमाम के बराबर कोई है। ये दुनिया की इज्जत है। और मैं यहां एक जुमला समझाने के लिए कहता रहता हूं, लोग आजकल समझते हैं मौलवियों को आता क्या, मौलवियों से आगे बढ़ेंगे। मैं कहता हूं मौलवियों से आगे ना बढ़ो, पीछे रहो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो मौलवियों के पीछे रहो। मैं थ्रेट नहीं कर रहा, कोई धमकी नहीं दे रहा। आप कहेंगे फिर जब जिंदगी प्यारी है तो पीछे रहो, इसका मतलब? हाँ, मैं बता रहा हूं, जब इमाम आगे, मसलन मौला तारिक हुसैन साहब इमाम आगे ठहर कर अल्लाह अकबर करते हैं आपके यहाँ, तो पीछे मुक्तदी मुर्दा होते हैं या जिंदा होते हैं? बोलिए जिंदा। और कोई मुक्तदी मौलाना के आगे सोया हुआ और बाकी पीछे, और मौलाना कहे चार रकात और चार तकबीर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लहलिएना, जो मौलवी से आगे बढ़ा उसमें क्या हाल है? बहुत अब भाई मौलवी से आगे ना बढ़े, मौलवी के पीछे रहे। और उलमा को तो रब ने मकाम और मर्तबा दिया है, उलमा को तो अल्लाह ने इज्जत और एहतराम दिया है। मौलाना अब्दुल शुकूर साहब आपके फाटा के एमएलए हैं, यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, कहीं से लगता था आपको इस तरफ सियासतदानी की बातें कर रहे थे? भाई अल्लाह ने उलमा को हर जुबान दी, हर तरह की गुफ्तगू का अंदाज दिया। और उलमाए कराम का ये किरदार इस माशरे में ना होता, इस मुल्क में ना होता, शायद आज हमारी गाड़ियां पगड़ियां महफूज न होती, ये मदारिस और मसाजिद महफूज ना होते, और उलमा ने दीन के मसले पर भी बंद बन रहा, दुनियावी कामों पर भी अपना एक नाम बन रहा। कायद मिल्लत इस्लामिया मौला मुफ्ती महमूद, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, ये आपके पेशावर में वजीर आला बन के 9 माह में रहे हैं। जब आए मुफ्ती महमूद के हाथ में एक ही बैग था, 9 माह की वजारत औलिया पर बैठ कर भी जब घर जाने लगे तो वही एक ही बैग, आज तक 1 रुपए की करप्शन उसके साबित नहीं है। अल्लाह ने उलमा को इतना उजला माजी दिया। और मेरे दोस्तों, हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब मैं असेंबली में पहली मरतबा गया, याद रखे उस वक्त एमपी ने वजीर आला बन गया, ये आप बुजुर्गों से पूछे ना आपको पता होगा, एमपी ए वजीर आला नहीं बन गया, जो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली मुंतखब होता वो वजारत वजीर आला बन गया था। जब ये वजीर आला बन के असेंबली गए तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब मैं असेंबली में गया तो मैं एक बात पर बड़ा हैरान था, मैं दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करता था कि अल्लाह मैं तिरमिज़ी पढ़ाता, बुखारी पढ़ाता, कुरान की तफसीर पढ़ाता था, तो कितना अच्छा दीनी माहौल खासम उलूम मुल्तान मदरसे में था। मैं वहां से निकल के असेंबली आ बैठा हूँ, यहाँ तो नंगा माहौल है, यहाँ तो बेपर्दा औरतें, अल्लाह ये किसी चीज की मुझे सजा मिल गई? कहते मैं दिल में सोचता, फरमाते एक वक्त आया जब कादियानियत का मसला जेर बास आया, अल्लाह कादियानियत का मसला जेर बास आया, और सारी असेंबली के लोगों ने
मौलाना मुफ्ती महमूद पे नजर रखी और इस शख्स ने कादियानियों को बुलवाकर 13 दिन में सफाई का मौका दिया और 13 दिन में कादियानी अपने कुफर को इस्लाम साबित न कर सके तो इस मुफ्ती महमूद ने कौमी असेंबली की सियासत में इस्लामी तर्ज सियासत में अपना वो लोहा बनवाया। मुसलमानों 1974 में मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की बदौलत कुफर हार गया और इस्लाम जीत गया। अंग्रेज जाएगा, शेहुल हिंद आएगा, अमेरिका जाएगा, मुल्ला उमर आएगा, गंडापुर जाएगा, असद महमूद आएगा, नियाजी जाएगा, कायद फजलुर रहमान आएगा इंशाल्लाह। मौलाना मुफ्ती महमूद ने वो कारनामे सर अंजाम दिए और यकीन मानिए जैसे आलिम मदरसे में बैठा नबी का वारिस है, जैसे आलिम मस्जिद में बैठा नबी का वारिस है, जैसे आलिम मिंबर और मुसल्ले पे बैठा नबी का वारिस है, जैसे आलिम खानकाह में शेख तरीकत बन के बैठा नबी का वारिस है, वैसे इस्लामी सियासतदान भी आलिम भी नबी का वारिस। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, बल्कि मैं पहले आयत पढ़ देता हूँ, सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, ए जालनी अला खज़ाइन अल-अर्ज़। ये इस्लामी सियासत में अपना मुस्बत कारनामा सर अंजाम देने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐलान है और हजरत यूसुफ नबी है। तो हुज़ूर पाक ने फरमाया सही बुखारी जिल्द नंबर किताबुल अंबिया, हजरत अबू हुरैरा रावी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुम अल-अंबिया كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ النَّبِيُّ فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ। फरमाए लोगों ये सियासत इस्लामी अंबिया का वतीरा है, अंबियाए कराम आते नबी बन के भी आते, इस्लामी सियासत दान बन के भी आते, एक नबी जाता दूसरा नबी आता। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ और अंबिया का आखिरी सियासतदान, मेरे बाद मेरे उलमा खुलफा आएंगे और कसरत से आएंगे। ये हदीस बताती है जहाँ मिंबर पे बैठना आलम को नबुव्वत की विरासत है, मुसल्ले पे बैठना आलम को नबुव्वत की विरासत में मिला है, जहाँ खानकाह में बैठकर लोगों के दिलों की सफाई अल्लाह अल्लाह करना आलम को नबुव्वत की विरासत में मिला है, जहाँ मुफ्ती के हाथ में इस्तात का कलम देकर शरीयत का निगरान नबुव्वत की मिराज की वजह से मिला है, जहाँ इस्लामी में भी आलम को नबुव्वत की विरासत की वजह से। आज हम समझते आलम का, याद रखे ये तमाम उलमा और हमारे उलमा ने सिर्फ इस्लामी काम छोड़े, लोगों के भी वो काम किए हैं जो रहती दुनिया तक याद रखा जाए। आज मैं डेरा इस्माइल खान से चला हूं, जब मैं सीपैक मोटरवे पे चल रहा था फिक्स घड़ी के 8 बजे, जब मैं घर से निकल रहा और मैं सीपैक से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से यहाँ पेशावर 4 घंटे में पहुंचाऊं, ये कम से कम 500 किलोमीटर बनता है 4 घंटे में। ये कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातहुम की मरहून मिल्लत इसी तक का तोहफा है। लोग कहते काम क्या किया आप अपनी गली और नाली की सियासत पर बैठे हो, उसमें तुम्हें सी पैक के इंडस्ट्रियल एरिया का तोहफा है। और सुने मैं एक बात कह रहा हूं, ये हमें हमारी क्यादत है, हमारे बुजुर्गों और हमारे अकाबरीन ने ये जुर्रत दी है कि सुबाई और विफाकी हुकूमत होने के बावजूद भी उलमा इन जालिमों को ललकार। और मेरे दोस्तों जहां आप मदारस और मसाजिद में आलम को पैगंबर का वारिस समझते हैं, वहां असेंबली में जमीयत उलमा को भी पैगंबर की विरासत समझे। ये मैं किसी की वकालत में बात नहीं कर रहा हूं, न किसी के कहने पर बात कर रहा हूं, मैं हर जलसे में बात करता हूं इसीलिए कि हमारे सर पे दाढ़ी और पगड़ी आज मौजूद है तो हमें पैगंबर के पूरे दीन की बात करनी चाहिए। हमारी जमात तबलीगी जमात के बुजुर्ग कहते हैं
पूरे दिन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दिन पर चलने में कामयाबी नहीं है। जहां पूरे दिन में तालीम है, तदरीस है, कुरान है, हदीस है, फिका है, इजमा है, मदरसा है, खानका है, मस्जिद है, मकतब है, तो वहां इस्लामी सियासत है। हम पूरे दिन पर चलने की बात, अधूरे दिन पर चलने की बात नहीं करते। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इरादा करें कि हम अपनी फैमिली में से अपने सफारशी बनाएं। बनाओगे नहीं बनाओगे? और फिर मैं एक बात करूं, तवज्जो रखना, बल्कि पहले आपसे वादा लेता हूं, अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि ये हुजूर पाक की ख्वाहिश और अल्लाह की जिम्मेदारी की तकमील है, तो आप अपनी औलादों को दीन के लिए इस मदरसे में भेजोगे या अपने करीबी मदारिस में भेजोगे? अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओगे? अपनी औलादों में दीन की खिदमत के लिए जज्बा पैदा करोगे? अपने बच्चों तक की तरगीब दोगे और बच्चियों और बच्चों को यहाँ भेजोगे? मदरसतुल बनात में अपनी बच्चियों को भी भेजो और मदरसतुल बनीन में बच्चों को भेजो, करोगे? आओ मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक बात समझाने के लिए आपको कहता हूं कि अगर कभी कोई पैसा और कोई माल और दौलत और सर्वत कुरान और शरीयत वालों के लिए तुम्हारी लगे, तो खुद को खुशकिस्मत समझना कि इन्होंने तुम्हारे पैसे को कबूल किया। ये नहीं है कि खुद को 30, 31, 32 मार खान समझना कि मैं फाउंडर हूं, जी नहीं। आप कहेंगे कैसे? आओ मैं जुमला देता, ये कयामत के तुम्हारे सफारशी हैं, और सफारशी कोई चीज कबूल कर ले उसका शुक्रिया हो। मसलन ये जब हमें जहन्नम से छुटकारे के लिए सफारिश करेंगे, आओ दुनिया में बात करते हैं, अगर कोई बंदा फांसी काट रहे उसको हो जाए और वक्त का जज लिख दे हैंगिंग टू द ट्री जज, लटका दो, फांसी दे दो, तो फिर रिव्यू में भी कोई चीज ना बचे, तो फिर लोग कहते हैं एक चीज रह गई, वो है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क का सदर। अगर इसे माफ, वो सदारती मामला होता है, मुल्क का सदर अगर माफी की दरख्वास्त कबूल करे तो उसके पास इख्तियार है, बाकी रूल और रेगुलेशन में कोई इख्तियार बाकी नहीं। तो फिर क्या करते हैं, जब रूल और रेगुलेशन से अब मामला आ गया तो फिर सफारशी ढूंढे, अजी कोई ताल्लुकदार ढूंढे, कोई वास्ता ढूंढो, कोई रिलेशनशिप ढूंढो, सफारशी बुलाते हैं। सुनो सुनो, सफारशी को अपनी गाड़ी भी साथ बिठाएंगे, उस गाड़ी में पेट्रोल भी हम डालेंगे, रास्ते में अच्छे से अच्छे होटल का खाना भी सफारशी को हम खिलाएंगे, वो वहां जाएगा, दो बोल बोलेगा, सफारिश पूरी, काम बन जाएगा, वापसी पे भी हम उसे छोड़ेंगे, उसकी जेब में हदिया भी हम डालेंगे, शुक्रिया अदा करके उसे घर बिठाएंगे कि भाई तेरी सिफारिश की वजह से हमारा काम बन गया, मान लगता है तो लग जाए, है या नहीं है? तो जब दुनिया के सिफारशी पे मेहनत करते हो, ये तो आखिरत के सिफारशी है, इस पर क्यों नहीं लगते, इनके लिए क्यों नहीं चलते, ये तो आखिरत के सिफारशी है भाई। एक जगह का मैंने वाक्य पढ़ा, हजरत ख्वाजा इस्लाम साहब ने लिखा है कि एक जमींदार आदमी थे, वो 3 मन गंदम मदरसे को दे रहे थे या जरूरियात के लिए पूरी कर रहे, तो किसी ने जाकर झूठी शिकायत उस जमींदार को लगाई कि भाई 1 मन गंदम तो मौलवी अपने घर में जाता है, ये तो 2 मन गंदम से तालबा को गुजारा करता है, इसको ना दो, सलाम है जमींदार। उसने कहा अच्छा, ओ मेरी गलती है कि मैंने मौलवी को अपनी जात के लिए नहीं दिया, हालांकि उसने अपनी जात को दीन के लिए वक्फ की थी, आइंदा 4 मन गंदम भेजूंगा, 3 मदरसे के लिए 1 आलिम। इसे कहते हैं अच्छा मौलवी। और आज लोग अल्लाह का हक नहीं देते और माल अपने पास रखते कि हमेशा रहेगा। आओ मैं आयत पढ़ता हूं और आपको बता रहा हूं कि मुझे बताए कि माल हमेशा रहेगा या माल खत्म हो जाएगा, और अल्लाह की जात आलिया का हक आपने ना दिया, कुरान और सुन्नत के मामलात आपने अदा न किए और पैसा आपने पास रखा रखा और उस पैसे को आपने अल्लाह के लिए ना लगाया, तो क्या होगा? आओ ये मैं अल्लाह का कुरान 30वां पारा है, सूरत हुमुज़ा, सूरत आयत, सूरत नंबर 104 शुरू से पेश कर रहा हूं। रब करीम फरमाते हैं अल्लज़ी जमा मालहू अक्लदा यहसबू अन्न मालहू अक्लदा कल्ला
الذي مثال الشخص کی جمع امالا جس نے پیسے تو اکٹھے کیے غریب کا حق نہ دیا جمع امالا اور پھر کیا معددا روز کاؤنٹنگ کرتا رہا گنتا رہا شمار کرتا رہا آج اتنے ہو گئے آج اتنے ہو گئے آج اتنے ہو گئے گنتا رہا یہ سب کنسپٹ یہ بنا تھا ذہن یہ بنا تھا خیال اس کا یہ تھا ان مالہ اسلدا ادھر تشریف لائیے ان مالہ اسلدا کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور میں کلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ کا حق نہ دیا تو کیا ہوگا لینبذن فی الحطمہ اسے حطمہ کے اندر لٹکا دیا جائے وما ادراک ما الحطمہ آپ کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے نار اللہ الموقدہ یہ نار اللہ مضاف مضاف الیہ بن کر موصوف ہے اور الموقدہ اس کی صفت ہے میرے دوستو یہ ایڈجیکٹیو سینٹنس ہے جس میں نار کے ساتھ لفظ اللہ کی اضافت میں اصل مضاف الیہ ہوتا ہے اس سے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے خالی نار کا لفظ ہوتا تو بات واضح ہو جاتی کہ آگ ہے نہیں ساتھ اللہ کے لفظ کی طرف نسبت کر کے کہا نار اللہ الموقدہ یہ اللہ کی جلائی ہوئی ہے اس میں ڈالا جائے جی ہاں کیسے بھاگ جائے کوئی جی نہیں فی عمد ممددہ لمبے لمبے پائپوں میں ڈال کے آگ رکھ کے بند کر دیا جائے گا نہیں یہ قیامت اس لیے اس آخرت کی حشری نشری کو سامنے رکھ کے اپنے لیے شفاء بھی پیدا کرے شفیع بھی بنائے اور خود کو اور اپنی اولادوں کو بچیوں بچوں کو سب کو علم دین کے لیے بھیجے کرے گا نا انشاءاللہ صلی اللہ تعالیٰ اقول قولی هذا فاستغفر الله واخر دعوانا الحمد لله